भाई ने इतना बढ़िया चूड़ा बनाया ना, मन खुश हो गया, पेड़ को भर गया, मगर मन नहीं भरा भाई। अगर पारस सिंह आते हैं भाई को देख लो, बहुत बढ़िया। एक बार स्वाद ले रहा कच्चे चूड़ा का, भाई पैसे ही नहीं ले रहा था, बोला भाई 10 रुपये तो भी ले ले, अब जाके उसने ले लिया 10 रुपये। यहाँ पे सब आरती का, पूजा का, सब छोटे बच्चों के खिलौने सारे कुछ मिल जाएंगे भाई। इतने दिनों बाद मैं पारस सिंह आया, पारस सिंह में इतने लोग मिले मुझे पहचान वाले, ये नरकड़ के भाई, ये मेरे पहचान के यानी कि दोस्त लोग ही है। क्या नाम है आपका? प्रताप सिंह। प्रताप सिंह गौतम आशीष। इनके चेहरे मेरे ध्यान में थे मगर इनका नाम नहीं था, सब नरगढ़ से ही है सारे। और यहाँ पे दर्शन, माता के दर्शन के लिए आए हैं, और ये खास रुके हैं अपने से मिलने के लिए, और अपने ऑलरेडी सब्सक्राइबर भी है। चलिए मिलते बाकी लोगों से। बिल्कुल फेमस कंदी पेड़ा, बहुत बढ़िया टेस्ट है भाई ने टेस्ट दिखाई, बहुत बढ़िया है। हम भी लेंगे यहाँ से, घर में खिलाएंगे सबको। पारस सिंह में आए हैं और इनका कंदी पेड़ा नहीं खाया है, और कुछ नहीं किया, सब आधा दर्शन होगा भाई। ये भाई का पेड़ा लेके दर्शन करने भी जाने का और घर में लेके भी जाने का, घर वाले तो बोलेंगे भाई कहाँ से लाया। फेमस कंदी पेड़ा पारस सिंह का, भाई नाम बता दे जल्दी से। ठीक है, जो भी मेरा चैनल दिख रहा है, मेरा वीडियो देख रहे हैं, सब यहाँ से लेने का, बहुत बढ़िया टेस्ट है इनका। जो आपसे आपके सामने जो शॉप दिख रहा है, ये हमारे पहचान वाले ही है राउत काका जी, उनका शॉप है। यहाँ पे हर एक वैरायटी के जो छोटे बच्चे हैं उनका भी खिलौने भी मिल जाएंगे, और यहाँ पे पूजा जो है, पूजा का सामान भी मिल जाएगा, तो सारा कुछ जो लेडीज़ लोग खरीदते हैं वो सारा कुछ आइटम मिल जाएगा, फ़ोटो से लेके फ़ोटो भी मिल जाएगी, तो सारा कुछ आइटम। अब अगर पारस सिंह विज़िट करते हैं तब ज़रूर यहाँ पे आके एक विज़िट दीजिए, ताकि जो मन रहता है वो सब कुछ दिख जाएगा यहाँ पे। ये भी हमारे काका जी है, रंगारी काका जी, यहाँ पे भी बहुत सारा कुछ सामान मिलता है जो पूजा का, हार वगैरह, और यहाँ पे छोटे बच्चों के खिलौने भी मिलते हैं, लेकिन लोगों का भी एक सामान है, अभी देख लीजिएगा। चलिए अभी निकलते हैं, सारा कुछ तो दिखा दिया, भगवान के दर्शन भी कर लिए भाई। 5 रुपये अमरावती का भाई विजय खंडारे, उनके दोस्त थे और उनको अच्छे से पहचानते। आप उनका चैनल देखिए, बहुत बढ़िया लैंग्वेज भी उनका, जो भी शूट करते हैं जो भी है, बहुत बढ़िया है। पारस सिंह में आए, पारस सिंह सती अनुसया माता, और यहाँ पे आई, जनरल स्टोर से कुछ खरीदा नहीं, तो बात तो बिगड़ जाती है भाई, भाई का आशीर्वाद तो चाहिए। और ये दोनों भाई बहन बस आई की सेवा करने के लिए यहाँ पे बैठे हैं, और यहाँ पे इनका सपोर्ट करिए। मेरे भी जो दोस्त लोग हैं सब यहाँ पे आएंगे पारस सिंह में, तो जरूर खरीदिए इनके पास से। आई जनरल स्टोर नाव है दादा, आई जनरल स्टोर नाव है दादा, आदर्श सुरेश मड़ावी, आदर्श सुरेश मड़ावी। मावशीच्या दुकानामध्ये हेलमेट ठेवलेले मी।
भाई साहब पारट सिंगा में आई का दर्शन करने के बाद उसके अपोजिट में ही शंकर भगवान का इतना बड़ा मूर्ति है, यहाँ पे तो आना बनता है भाई। ये 50 फुट के ऊपर में है मूर्ति, और ये जो है ये सबके भोलेनाथ है और सबका उद्धार करने वाले हैं। और यहाँ पे एक लाइक तो बनता है भाई, और सब्सक्राइब भी बनता है। और यहाँ पे अनुसुईया माता का दर्शन करने के बाद शंकर भगवान का दर्शन तो करना बनता है। भोलेनाथ सबके साथ। चलिए बोलिए भोलेनाथ की जय। अभी जाएंगे पारट सिंगा आई का दर्शन करने के बाद भोलेनाथ की जो मूर्ति है 50 फुट के ऊपर है, उसका भी दर्शन हो गया, आपको दिखा भी दिया। अभी जाएंगे ऊपर में मंदिर है भोलेनाथ का, चिंतामुनीश्वर शंकर मंदिर प्रवेश द्वार। हम लोग इसे भी गाड़ी भी जाती थी, वो भाई ने बताया जहाँ पे मैंने पार्किंग की, ऊपर में गाड़ी भी जाती है, मगर गाड़ी तो हर जगह लेके जाना सही नहीं मानता हूँ मैं, थोड़ा पैदल भी चले, शरीर में भी थोड़ा सा श्रम होना चाहिए भगवान का दर्शन करने के लिए। भाई गाड़ी से जाएंगे मज़ा नहीं आएगा, थोड़ा बातें करते करते जाएंगे। और ये पूरा जंगल से निकला हुआ है रास्ता, और सामने में सीढ़ियाँ भी है, देखिए ये सीढ़ी है, देखिए मंदिर में से आवाज़ भी आ रहा है, पूरा मंदिर में जाने के लिए पूरे जंगल में से रास्ता। भैया काम कर रहे हैं मगर इनको पता नहीं, अपन गिनेंगे पायरी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। त्रेपन में थक गए, चलना मुश्किल है। ये देखिए कितना नीचे से ऊपर आ गए, थक तो जाएगा भाई, और भी ऊपर है। ये तो स्लोप था, ये तो चढ़ाव है। बाप 53, 54, 55 थक गया। पुष्पा झुकेगा नहीं साला। 60, 62, 63, 64, 65 95 हो गए 95 नवंबर सेंचुरी कर लिया भाई, सेंचुरी हो गया। 2, 3, 4, 5 हमारे साथ है नागपुर वाले भी है, हम भी नागपुर के, ये भी नागपुर के। कितने डाले काकू? काउंटिंग काकू की तरफ दे दिया मैंने। 22 इधर है। आखिर ये भगवान शंकर ऊपर क्यों जाके बैठते हैं? हर जगह ऊपर में बैठे, यहाँ पे भी ऊपर में ही है। 140 पायरी, किसी ने गिना नहीं होगा, मैंने गिना 140 पायरी। पहाड़ी के ऊपर से नजारों का बारिश हो रहा है, मंदिर के ऊपर से लेफ्ट राइट में पूरा माय गॉड। शंकर भगवान हमारी चिंता दूर करो। भोलेनाथ सबके साथ।
दर्शन करने जा रहे हैं, अंदर कैमरा लेके जाने देते नहीं देते पता नहीं, ट्राई करेंगे। भोलेनाथ सबके साथ भोलेनाथ का दर्शन करने आए, इधर दुल्हन अपन ऊपर से नज़ारा देखेंगे नीचे में कैसे था। ये मंदिर है भोलेनाथ का, भोलेनाथ सबके साथ। भाई ऊपर से देखो यार, पूरा का पूरा सिटी दिख रहा है, पूरे खेत जंगल। सारे के सारे ये तो सिटी में देखने को नहीं मिलेगा, ये अपन जहाँ से आए वो रास्ता है, ये रोड है, ये कोई स्कूल कॉलेज कुछ है। ये गेट है, अपन जहाँ से चढ़े ऊपर वहाँ का गेट है, अरे मेन रोड। राम वन पर्ण कुटी, शायद ये बंद है मंदिर, अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ। भाई लोग भी यही के आजू बाजू के पारस सिंघा घूमने के लिए है। यहाँ पे तो पूरा पैंट उतर रहा है यार, नीचे ऊपर करने में पूरा ढीला हो गया। आज का ब्लॉग तो यही तक के, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। आज का वीडियो बहुत लोग मिले भाई अपने पहचान वाले, जो कि अपने सब्सक्राइबर भी है ऑलरेडी और अपना वीडियो पसंद करते हैं। अरे चिंता मुनीश्वर शिव मंदिर प्रवेश द्वार है, यहाँ से अपन आए थे एंट्री, अभी जाएंगे। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। सिर्फ बने रहिए मेरे साथ नागपुर सीरीज़ में।